प्रताप के राज्याभिषेक का महाजश्न। आइए और मिलकर मनाइए पूरे मेवाड़ के साथ भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप 16 से 20 सितंबर सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सोनी पर। गिरजा जी, राणा जी ने ये जो भावी राज्याभिषेक की तिथि बिना मुहूर्त के तय की है, न जाने उससे हमारा मन बुरी बुरी आशंकाओं से घिरता जा रहा है। सच्चा बिना तो भूली है, उन्हें क्या पता कुंवर प्रताप के प्राणों पर पहले भी कैसे कैसे संकट आ चुके हैं। उधर राणा जी समझ रहे हैं कि शम्स खान के मरने के बाद कुंवर प्रताप का अब कोई शत्रु नहीं बचा है, उनके बाहरी संकट सारे समाप्त हो चुके हैं। अब उन्हें हम कैसे समझाएं कि कुंवर प्रताप का सबसे बड़ा शुभचिंतक ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है, और वो कहीं बाहर नहीं, यही महल में है। राणा जी ने तो कई दिनों से हमारा चेहरा तक नहीं देखा, अब इन बाहरी संकटों के बारे में हम उनसे बात करें तो कैसे? महारानी सा, अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। सब जान चुके हैं कि बावजी राजी मेवाड़ के भावी राजा बनेंगे। अब धीर भाई सा को भी बावजी राज के विरुद्ध कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। अब हर समय बावजी राज पर मेवाड़ नाथ और सारे सामंतों का ध्यान है। पर रानी माँ, जब मुगलों ने हमें ऐसी चोट पहुंचाई है तो फिर हम उन्हें समाप्त क्यों नहीं कर देते? हुमायूं ने हमारी दादी रानी के साथ विश्वासघात किया है रानी माँ, हम हुमायूं का सर क्यों नहीं उड़ा देते? हम उसकी सेना को क्यों नहीं मिटा देते? देखा रानी माँ, आज तक उस दिन के भयानक यादों से सब लोग कैसे दहल जाते हैं, फिर क्यों हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं रानी माँ? क्यों इसी समय हम मुगलों पर धावा बोलकर उनको उनके किए का दंड नहीं देते? हम इस विषय के विशेषज्ञ तो नहीं है प्रताप, पर आपके दाजीराज के साथ हुई बातों से इतना तो जाना है कि मुगल सेना कोई साधारण सेना नहीं है। उनके पास आधुनिक बारूद है, तोपे हैं, और एक विशाल अनुशासित व्यवस्थित और क्रूर सेना है जिसने सदियों से कई देशों पर आक्रमण कर करके युद्ध में उत्कृष्ट अनुभव अर्जित किया है। इसलिए आज मुगल सेना को अजय सेना माना जाता है। यदि जो समाचार हम तक पहुंचे हैं वे सच है तो मुगल दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, और बहुत शीघ्र वो अफगानों को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार करने वाले हैं। टुकड़े टुकड़े कर दो सबके। अब कोई दम नहीं बचा अफगानों में, घेरो इसे, बचने ना पाए शमशेर खान। अब बताए हमारे कदम चुनने को बेताब है सिपाहियों, आगे बढ़ो। मुगल सेना इस समय इतनी शक्तिशाली बन चुकी है कि आज वो चाहे तो बड़ी से बड़ी सेना को आसानी से रौंद कर रख दे। शमशेर खान तो बहुत साधारण शिकार है इस समय उनके सामने। Yeah.
बेग फतेह का ऐलान किया जाए, कूच किया जाए। आज तक हमने जिस मुल्क को भी फतेह किया, हमारी फौज ने उसे लूट लिया, कत्लेआम मचाया, उसे नेस्त तो नाबूद किया है। मगर आज ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ लूटने के मकसद से नहीं आए, हम यहाँ हुकूमत करने आए। दिल्ली पर हुकूमत करनी है हमें। हम इसी मैदान जंग से ये ऐलान करते हैं कि आज से दिल्ली मुगलिया सल्तनत का मरकज होगी। बाखुदा दिल्ली हमारा मुल्क और दिल्ली ही हमारा वतन होगी। आलम पना, अल्लाह के फजलो करम से तख्ते मुगलिया पाक किया जा चुका है। खुदा करे हमारे बादशाह सलामत कुछ तख्त ताज पर पीढ़ियों तक काबिज रखे और मुगलिया सल्तनत के जहो जलाल फैलाएं। जहां पना अब अल्लाह का नाम लेकर तख्ते मुगलिया पर तशरीफ रखे। जय जय हिंद बादशाह हुमायूं। शहंशाह हिंद बादशाह हुमायूं। शहंशाह हिंद बादशाह हुमायूं। शहंशाह हिंद बादशाह हुमायूं। शहंशाह हिंद बादशाह हुमायूं। कहाँ है हमारी फतह के असली कारकुन, हमारे लखते जिकर, हमारे शहजादे जलाल? कहाँ है? आज हमारी फतेह और हमारी तख्त पोशी की खुशियों में उन्हें यहां होना चाहिए था, हमारे साथ। कहां है? नजर क्यों नहीं आ रही? कहां है शहजादे जलाल? हमारे सामने सच्चाई रखी जाए, हुक्म की तामील हो। राजीराज दादी बेग, हम जानते हैं कि आप सब जानते हैं। बताइए कहाँ हैं शहजादे जलाल? गुस्ताखी मुआफ आलम पना, शहजादे जलाल ने यह पैगाम आपके लिए भेजा है। हौलवत, क्या मुसीबत है! अपने ही शहजादे के बारे में मालूमात करने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है जितनी दुश्मन की ताकत जानने के लिए करनी पड़ती है। और हर शख्स जो यहां मौजूद है और फिर भी खामोश है, शहजादे को बचाने के लिए इसका जिम्मेदार है। शहजादे का पैगाम बा आवाज़ बुलंद पढ़ा जाए।
अब्बा हुजूर, हमने अफगानों को हराकर दिल्ली पर मुगलिया परचम फहराया, इसकी हमें बे इंतहा खुशी है। इस खुशी को यादगार बनाने के लिए आपने हमें जो हाथी तोहफे में दिया था, हम उसी हाथी पर शिकार के लिए जा रहे हैं, ताकि इस पर बैठकर जो पहला शिकार करें उसका सर पाक परवरदिगार अल्लाह ताला के हुजूर में चढ़ाकर उनसे इल्तिजा कर सकें कि बहुत जल्द आपकी हुकूमत दिल्ली तक ही नहीं सारे हिंदुस्तान तक फैल जाए, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी फौज आपके पसंदीदा राजपूताने को भी इतनी ही आसानी से जीत ले जितनी आसानी से उसने दिल्ली को आपके लिए जीत कर दिखाया है। हम आपको वचन देते हैं दाजीराज कि हम मुगलों को हमारे राजपूताने पर उंगली तक नहीं रखने देंगे। हम इन मुगलों से हमारी दादी रानी के बलिदान का बदला अवश्य लेंगे दाजीराज, ये हमारा वचन है। कुंवर प्रताप, आपको लेकर हमारा विश्वास अब और दृढ़ हो गया है। इस मार्ग पर आप चल रहे हैं और जिस तरह की आपकी सोच बनती जा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखिएगा एक दिन आप हमसे भी सफल राजा बनकर दिखाएंगे। दाजीराज, कुंवर प्रताप, अभी आवश्यक नहीं कि आप हमारी हर बात पर विवाद करें, माना कि आप हमसे बड़े राजा बन जाएंगे, परंतु दाजीराज तो हम ही रहेंगे आपके। कल होने वाले कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक उत्सव के लिए तैयारियां भव्य रूप से आरंभ की जाए, और हम चाहते हैं कि ये उत्सव इतना भव्य हो जितना ना आज तक किसी ने देखा हो और ना सुना हो। पूरे मंदिर को गेंदे के फूल से सजाओ और फिर बताओ गणेश चतुर्थी की पूजा कब आरंभ की जा सकती है। देखकर नहीं काम कर सकती, तुम्हें पता है तुमने जो किया उसका अर्थ क्या होता है? जा तुम लोग। देखिए महारानी सा, कुछ भी तो नहीं हुआ और कुछ बुरा हो भी नहीं सकता। आज से ठीक 15 वर्ष पूर्व वो भद्र चतुर्थी का ही दिन था जब मेवाड़ नाथ ने आपकी मांग में सिंदूर भरा था। जीजा, कल आपके विवाह की 15वीं वर्षगांठ है। हम जानते हैं राणा जी से बिछाव का दुख आपके लिए असहनीय है, परंतु आप अपने आने वाले कल के बारे में सोचिए। हमारे कुंवर प्रताप मेवाड़ के भावी राजा बनने वाले हैं। जीजा, उस एक क्षण का सुख आपके बीते हुए सारे क्षणों के दुखों को भुला देगा। नहीं मंजली माँ, आधा दूरा सुख क्यों हो हमारी रानी माँ के लिए, यदि सुख हो तो फिर पूरा। प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके उस दुख को देख रहे हैं रानी माँ, जिसे आपने बड़े जतन के साथ हमसे छिपाया है। हम बात करेंगे दाजीराज से कि आपको आपका खोया हुआ सम्मान फिर से मिले, इसके लिए हम मनाएंगे दाजीराज को। नहीं प्रताप, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्षमा कीजिए रानी माँ, परंतु इस बार हमें आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही पड़ेगा, इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। रोकिए ना कुंवर प्रताप को, गिरजा जी रोकिए उसे। महारानी सा, जाने दीजिए बाजीराज को, क्या पता संतान के हट के आगे मेवाड़नाथ अपनी हट छोड़ दे। असंभव कुंवर प्रताप, ये बिल्कुल असंभव है। बाजीराज, हम आपके आगे हाथ जोड़कर परंपरा निभाने की तो विनती कर रहे हैं, और फिर आप ही बताइए दाजीराज, भावी राजा के अभिषेक के समय उसके माता पिता उसके साथ हो, क्या ये मेवाड़ की परंपरा नहीं है दाजीराज? और फिर हमारे जीवन के इतने महत्वपूर्ण क्षणों में हमारे रानी माँ
और हमारे दाजीराज हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? कुंवर प्रताप, निर्बल हृदय वाले ही परंपरा का नाम लेकर अपनी हट को मनवाते हैं। पर ये हट नहीं है दाजीराज, ये प्रार्थना है। हमारा तो छोटा ही सपना है कि हम अपने दाजीराज और रानी माँ को फिर से एक बार साथ देख ले। कुंवर प्रताप, यदि आप हमसे कुछ और मांगते हैं तो हम आपको सहर्ष दे देते हैं, किंतु आपकी रानी माँ के साथ एक बार फिर से समझौता असंभव। कुंवर प्रताप, असंभव। आपके राज्याभिषेक को लेकर हमारे मन में जो उत्कंठा है, वैसी उत्कंठा हमने आज तक और किसी बात के लिए नहीं दिखाई। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कुंवर प्रताप, कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे हमारा ये सपना भी चूर चूर हो जाए। परंतु दाजीराज, आपके दाजीराज कुंवर शक्ति की घटनाओं को लेकर बहुत दुखी चल रहे हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप उन्हें थोड़ा समय दें। समय के साथ साथ सारे घाव ठीक हो जाते हैं। आप उन्हें समय देंगे ना? कुंवर प्रताप, आप जब भी सपना देखोगे, आपके सपने और उसे पूरा होने के बीच में हमें दीवार सा खड़ा पाओगे। हम तब तक आपके सपने तोड़ते जाएंगे जब तक आप सपने देखना छोड़ ना दें। यही आपके भविष्य की कड़वी सच्चाई है। कोई पता क्या हुआ? नहीं माने राणा जी, हमें तो पहले ही पता था ये होने वाला है, पर जीजा का दुख देखकर हमने भी आस लगा ली थी। फिर हम सब ने मिलकर एक बात सोची। आप मन छोटा मत कीजिए कुंवर प्रताप, क्योंकि हमें भी एक बात सूझ गई है। जब महारानी साह और महाराणा साह का विवाह संपन्न हो रहा था, तब मैं भी वहां पर उपस्थित था। फिरे फिरते समय उन दोनों ने एक दूसरे को इतने मन से वचन दिए थे, आज विस्मरण करता हूँ तो मन भाव विभोर होता है, और आज उसी विवाह को बचाने के लिए हमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। बहुत दुख होता है यह सोचकर। यदि दोनों को उन्हीं वचनों की याद दिला दी जाए जो वचन उन्होंने विवाह के समय एक दूसरे को दिए थे, तो क्या ये पर्याप्त नहीं होगा? परंतु बाबूजी राज, वे वचन तो विवाह मंडप में विवाह के समय ही दिए जाते हैं। तो कोई बात नहीं, दोबारा विवाह करवा दीजिए, उसमें क्या है? सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, यह अभियान हमें अति गोपनीयता के साथ पूरा करना है। यदि इस अभियान में एक भी भूल हुई तो अभियान आरंभ होने से पहले ही भरभरा के गिर पड़ेगा। कुंवर प्रताप, आप यहाँ हैं? छोटी माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक, बस हमारे जगमाल उल्लाहना कर रहे थे कि उनके दादा भाई के पास उनके लिए समय ही नहीं। ऐसे यहाँ जो कुछ भी चल रहा था, यहाँ आके हमने उसमें व्यवधान तो नहीं डाला। चल क्या रहा था यहाँ पर? अरे बहना, कुछ भी तो नहीं। कौन बता? अब आप अपनी छोटी माँ से बातें छुपाने लगे हैं? छोटी माँ, हमने आज तक आपसे कुछ छुपाया है? नहीं, और वैसे भी कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं। मंजिली माँ, अब छोटी माँ से क्या छिपाना? हम दाजीराज और रानी माँ के विवाह की वर्षगांठ के लिए निमंत्रण पत्र बना रहे हैं। कुंवर प्रताप, आपके दाजीराज और रानी माँ एक दूसरे को आंख पर देखते भी नहीं। हम जानते हैं वो सब छोटी माँ, इसीलिए हमने उन दोनों की पुनः विवाह रचाने की योजना बनाई है, और ये हमारा विश्वास है छोटी माँ। देख लीजिएगा, एक बार उन्होंने अपने अपने वचन दोहरा दिए तो फिर उन दोनों के बीच के सारे अंतर, सारे तनाव मिट जाएंगे। ठीक है भैया, आपके इस कल्याणकारी कार्य के लिए हमारी भी शुभकामनाएं। पर महारानी साहब, क्या ये सब बातें आप मेवाड़ नाथ से छुपा पाएंगी? आप कहना क्या चाहते हैं? हम जानते हैं राणा जी से ये बात छिपाने में आपको थोड़ी सी कठिनाई तो होगी, परंतु कोई बात नहीं, हमारे पास इसके लिए एक सरल उपाय है। आप क्यों नहीं वह जगमाल के सर पे हाथ रख के सौगंध खा लेती? फिर इससे हम सबको संदेह होगा ही नहीं, और फिर देखना बहना आप कैसे हम लोगों के साथ सम्मिलित होके हमसे भी एक से बढ़कर एक जुगत बताएंगी। ठीक है,
अमर प्रताप के राज्याभिषेक का महाजश्न। आइए और मिलकर मनाइए पूरे मेवाड़ के साथ भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप 16 से 20 सितंबर सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सोनी पर।